तबे एबे नजर पकाइबा वर्तमान रो किछि गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस उपरे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री को कोरोना स्थिति समीक्षा स्वास्थ्यकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना वाराणसी स्थिति उपरे रहिबा प्रधानमंत्री नजर स्वास्थ्यकर्मी मनोबल बढ़ावा लक्ष्य। आज शक्ति विभाग एसआरसी बैठक संभाव्य बात्या मुकाबला और बात्या पर स्थित सजाड़ा को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करे एसआरसी 26 सका लैंडफल कर बात्या यश। आज संध्या 5:30 बस राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री अध्यक्षतार लोकसेवा भवन में मीटिंग विसी जरिया जोगदेवे एकाधिक मंत्री विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे बाजिपे मोहर। महामारी रूप ने ब्लैक फंगस देश में 7000 उपरे मामला महाराष्ट्र में स्थित संगीन एपटे पश्चिम ओडिशा रे प्रथम ब्लैक फंगस रोगी चिन्हित। मे शेष सुधा राज्य में कमिब कोरोना टेस्टिंग बढ़ु बढ़ुची पॉजिटिव संख्या युववर्गों मध्य बढ़ुची डेथ रेट सेपटे ब्लैक फंगस महामारी नुहे कहले स्वास्थ्य निर्देशक। राज्य में कोरोना कह 24 घंटे 27 मुंड नेला महामारी 12523 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 1842 आक्रांत। एवं महांगा दीप्तिकांत मर्डर केस रे काहीकि चुप महांगा पुलिस 2014 गुली करी दीप्तिकांत को हत्या करा जाई 7 वर्ष परे परिवार को मिलुनी न्याय मंत्री प्रताप जेना चापरे पुलिस चुप बसिथिबा अभियोग। तेरे पुणि थे फेर से ही खबर को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रो कोरोना स्थिति समीक्षा को सीधासख नजर पकाइबा। बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की है लगातार की है उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो जनधन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया अभियान हो योग और आयुष के प्रति अब जब हम यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति पूरे विश्व से मिली और 21 जून को योग दिवस शुरू किया तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ाई गई आलोचना की गई सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता भी रंग ढोए गए लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। योग और आयुष के प्रति जागरूकता इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बढ़ाई है। साथियों महादेव की कृपा से बनारस आध्यात्मिक क्षमताओं से भरपूर शहर है। चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव रही हो या सेकेंड वेव यहाँ के लोगों ने धैर्य और सेवा का अद्भुत परिचय दिया है। मेरी काशी के लोग यहाँ के सामाजिक संगठन मरीजों की गरीबों की बुजुर्गों की लगातार एक परिवार के सदस्य की तरह सेवा कर रहे हैं चिंता कर रहे हैं। किसी परिवार को खाने की चिंता न करनी पड़े किसी गरीब को दवाइयों की चिंता न करनी पड़ी काशी ने इसके लिए खुद को समर्पित कर दिया है। कई व्यापारियों ने तो खुद आगे आकर अपनी दुकानें बंद की ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इन सभी व्यापारी भाइयों ने हमारे इन साथियों ने
अपने आर्थिक नफा नुकसान की चिंता नहीं की, बल्कि अपने संसाधनों से वो सेवा में लग गए। आपका ये सेवा भाव किसी को भी अभिभूत कर देगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मां अन्नपूर्णा की नगरी और इस नगरी का तो ये सहज स्वभाव ही है। सेवा यही तो यहां का साधना का एक प्रकार से मंत्र है। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा, हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए हम सब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। इसी तरह यूपी में कई सीनियर और युवा डॉक्टर्स भी ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है। कोविड के खिलाफ गांवों में चल रही लड़ाई में हमारी आशा वर्कर और एएनएम बहनों की भी भूमिका बहुत अहम है। मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। साथियों, सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। साथियों, जब प्रयासों में संवेदनशीलता हो, सेवा की भावना हो, लोगों की तकलीफों का एहसास हो,
साइंस लेड अप्रोच हो तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है। मुझे याद है पूर्वांचल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु की एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। हजारों बच्चे मरते थे और ये सिलसिला सालों साल तक चला था। योगी जी पार्लियामेंट में थे, करते रहे, लेकिन जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में। समय को छोटा ब्रेक रहा, ब्रेक पर भी जारी रहे खबर। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाएं ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, सारे इलेक्टेड लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप लगातार काम कर रहे हैं, बोझ बहुत है, कभी कभी जनता जनार्दन का राजी नाराजी के स्वर को भी सुनना पड़ता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस संवेदनशीलता के साथ आप जुड़े हैं, जिस नम्रता के साथ आप जुड़े हैं, ये भी अपने आप में सामान्य नागरिक को एक मरहम का काम करता है। और इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में जुड़ने के लिए और उसका नेतृत्व करने के लिए एक प्रकार से संतोष प्रकट करता हूं। हम सबको देखना है कि एक भी नागरिक को अगर कोई तकलीफ है तो उसकी चिंता जनप्रतिनिधियों का भी स्वाभाविक दायित्व है। उसे अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाना, उसका समाधान सुनिश्चित करना, ये काम हमें आगे भी जारी रखना है। मुझे विश्वास है हम सबके ये सामूहिक प्रयास जल्द ही अच्छे परिणाम लाएंगे और जल्द ही बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी इस लड़ाई को जीतेगी। मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहे, पूरी मानव जात का कल्याण तो बाबा विश्वनाथ करते हैं, इसलिए उनके लिए किसी एक भूभाग के लिए कहना उचित नहीं होगा। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शक्ति विभाग सह एसआरसी का बैठक, संभाव्य बात्या मुकाबला और बात्या परर स्थिति सजाड़ा को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करेंगे एसआरसी। 26 तारीख सकाळे पश्चिमबंग ओडिशा उपकूल में पहुंचे यश,
25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏସ୍ଆର୍ସି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟଶ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଯବାନମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ୟଶ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ। ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜପଦର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋଗୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ENT ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ତେବେ ବୁର୍ଲାରେ ଏହା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଦେଶରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆତଙ୍କ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 7000 ଉପରେ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ଏବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 7251 ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 219 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନା ଭଳି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ଆଗରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ 90 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଦେଶରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମହାମାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଲେପୋସୋମେଲ ଏବଂ ଏମ୍ପୋଟେରିସିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ତାଳ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 37 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2430କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ପଛରେ ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ 12000 ନେଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ  12523 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7012 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 5511 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 668422 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1842 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 1084, ଅନୁଗୁଳରୁ 930, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 715, ପୁରୀରୁ 568, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 510, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 491, ଯାଜପୁରରୁ 419, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 400, ଗଞ୍ଜାମରୁ 369, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 373, ବରଗଡ଼ରୁ 315, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 383, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 296 ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 37 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିଛି। ଆଜି ଦେଶରେ 269591 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 4209 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,60,31,991 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 2,27,12,735 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 291,331 ଜଣ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ସହ ଲଢୁଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଓ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
द्वितीय पर्याय लॉकडाउन रे कठोर होइछि कमिश्नरेट पुलिस पूर्णी राजधानी रो विभिन्न हाटरे कोविड नियम उल्लंघन अभियोग रे चढ़ौ करा जायछि। विभिन्न थाना रे आईआईसी जोन एसपी चढ़ौ रे शामिल रहिथिले। एक नंबर हाटरे अमानियां को निकट रु जरिमाना आदाय करा जायछि। गाड़ी आनी पनीपरिया नेबाक आसीथिबा लोक मध्य तंड गणिछन्ति। सेबडे एक नंबर हाटर परिसीमा को बढ़ा जायछि। 6 फुट दूरतारे बसिबा को व्यवसायी को निर्देश दिया जायछि। सामाजिक दूरता बजाय रखा सह भिड़ एड़ाइबा कमिश्नरेट पुलिस बीडीए बीएमसी एवं परिवा व्यवसायी संघ उद्यम रे हाटर परिसीमा वृद्धि कराइछन्ति। समय सरिछि बुलेटिन को एड़ सरुछि अधिक अपडेट पाइ देखु स्वागत न्यूज। नमस्कार।